बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा के 38 वर्षीय बेटे विकास वर्मा ने घर में 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस खबर के फैलते ही लालजी वर्मा के समर्थकों का मोर्चरी में जमावड़ा लग गया। अम्बेडकर नगर के पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। लालजी वर्मा और उनका पूरा परिवार ट्रामा सेंटर में मौजूद था, जहां सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी शोक व्यक्त करने लालजी वर्मा के घर पहुंची। साथ ही लालजी वर्मा के आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि लालजी वर्मा के बेटे विकास वर्मा ने इससे पहले 12 मार्च 2017 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने विकास को बचा लिया था। विकास ने बीती 7 जनवरी को अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल विकास ने आत्महत्या क्यों की, अभी ये जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।